जहाँ दुनिया की खवातीन तरक्की के मनाजिल तय कर रही हैं, वहीं कई पसमानदा ममालिक की खवातीन अभी तक अपने बुनियादी हकूक के लिए जंग कर रही हैं। पाकिस्तान में भी शहरी खवातीन जिंदगी के हर शोबे में कदम जमा रही हैं, तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं, लेकिन बहुत सी देही औरतें अपनी बुनियादी हकूक से महरूम हैं। कहीं इन्हें कारोकारी के नाम पर जिंदा दरगोर कर दिया जाता है, तो कहीं इन्हें वनी के भेंट चढ़ा दिया जाता है। लेकिन दौरे जदीद में जब मीडिया जिंदगी के हर पहलू को उजागर कर रहा है, पाकिस्तान की शहरी खवातीन के साथ साथ देही औरतों को भी अपने हकूक की पहचान मिल रही है। इसी हवाले से खवातीन के आलमी दिन पर कराची प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी खवातीन की रोल मॉडल और आलमी एवार्ड याफ्ता सामाजिक कारकुन बिल्किस एदी ने माशरे में औरतों के किरदार पर बात की। औरतों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, अपने मियाँ का साथ देना चाहिए और औरतों की वजह से ही हम कामयाब हुए थे। दोनों मियाँ बीवी, हमारी कामयाबी का राज औरतें थी। ज़्यादातर हम औरतों से ही काम लेते थे। कहते हैं हर मर्द कामयाब के पीछे औरत का हाथ है, ये बात तो बिल्कुल सच है। जैसे आप हैं सितार साहब के साथ, आपने बहुत साथ दिया, तो जो आने वाली खवातीन हैं उनके लिए क्या कहेंगी आप? आप भी ना अपने शोहरों का साथ दो हर हाल में, गरीबी हो, अमीरी हो, जो कुछ भी हो। तकरीब में सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध शहला रजा, डायरेक्टर जिना अस्पताल सीमी जमाली साहबा ने भी खवातीन के हकूक पर रोशनी डाली। खवातीन ने बहुत कुछ अचीव किया है और खवातीन ने बहुत जिदोजहद की है, बहुत तकलीफें देखी हैं। ये नहीं है कि खवातीन की तमाम तकलीफें दूर हो गई हैं, लेकिन कम अज़ कम एक इस दिन औरत की जो हिम्मत है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो अचीवमेंट है, उसको खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश किया जाता है। लेकिन उसका सफ़र जारी और सारी है और इस दिन ये भी लोगों को एहसास या उनको याद दिलाया जाता है कि औरतों को इज़्ज़त देने की ज़रूरत है, उनको स्पेस देने की ज़रूरत है। औरतें किसी से किसी और का हक नहीं मांगती, वो अपना हक लेने की कोशिश कर रही हैं। और जितनी भी औरतें निकली हैं उनके साथ हम मर्द भी देखते हैं, अब माहौल बदल गया है। और मैं उन मर्दों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने औरत के जो स्ट्रगल है उसको इज्जत दी है। मैं यही कहूँगी कि हम तमाम लोगों को, अगर जो भी ये समझता है कि जुल्म ख़त्म करना है, मर्द औरत सबको मिलके खड़ा होना होगा, क्योंकि मर्द औरत दोनों माशरे के अहम रुकन हैं। और अगर औरत एक रुकन पे जुल्म होगा तो माशरा मजबूत नहीं होगा। हमें औरत को एतमाद देना है और उसे माशी तौर पे मजबूत करना है ताकि आगे बढ़ सके। मुझे तो लगता है कि हर दिन ही खवातीन का दिन होता है। इन मर्दों की वजह से ही खवातीन जो हैं अपना असर वसूख इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर मर्द नहीं होंगे, हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्दों का हाथ होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस तरह के नारे लगाने चाहिए। इट्स नाइस कि ऑनरेबल तरीके से काम करें, और हमारा काम ही ये है कि हम ऑनर के साथ काम करें, डिग्निटी के साथ काम करें एंड मॉडेस्टली काम करें। सीनियर सहाफ़ी रज़िया सुल्ताना साहिबा और अदाकार सऊद ने भी औरतों की पेश बहा खिदमात को भरपूर तरीके से सराहा। आप देखें, ज़माने कदीम में चले जाएं, उस ज़माने में जब शादियां होती थी, लड़कियों को तरबियत दी जाती थी कि भाई आप अपने सास ससुर के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत रहें। बहुत सारे जो तुम यहाँ से ब्याह कर गई हो, वहीं से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, हमारे पुराने ज़माने में कहावतें होती थी। लेकिन आई थिंक वो सही होती थी, उससे क्या होता था, लड़कियाँ निभा कर रहती थी। आजकल ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो कह रही है ना खवातीन, इससे क्या हुआ है कि तलाकें बढ़ गई हैं, खुला बढ़ गए हैं, माशरा डिसबैलेंस हो गया है। इसलिए कि हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हमने जदीद जो मगरबी जो कल्चर है उसको अपनाने की कोशिश की। आज वो लोग हमारा मशरक़ी कल्चर अपनाना चाहते हैं, क्योंकि जॉइंट सिस्टम नहीं होने की वजह से वहाँ बेरारवी हो गई। औलाद ज़रा 12 साल के हो जाते हैं, वो निकाल देते हैं घर से। हमारे यहाँ दादी दादा नानी नाना का एक कॉन्सेप्ट है और ये तरबियत करते हैं अपनी औलाद को। जब ये अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, वो आगे जाके वो अपनी औलाद की तरबियत करती हैं। आप देखिए, ये सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। औरतों के जो हकूक़ हैं वो औरतों को मिलने चाहिए, और मेरे हिसाब से आज के दौर में औरत किसी काम में भी पीछे नहीं है।
मैं अपने घर से ही मिसाल देता हूँ, मेरी बेगम माशा जवेरिया जो हैं वो राइटर भी हैं, पोइट भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं, बहुत सारे काम करती हैं। तो उसमें ये है कि यकीनन मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन इसलिए है कि मैं उनको मौके देता हूँ कि वो काम करें और जो उनकी ख्वाहिशें पूरी करें। और बात यह है कि औरत के साथ माँ होना बहुत ज़रूरी है, बीवी होना भी ज़रूरी है, बहन होना भी ज़रूरी है, बेटी होना भी ज़रूरी है। तो ये रिश्ते, और ये वो रिश्ते मैं बता रहा हूँ जो अल्लाह ने बनाए हुए हैं, ये हमने नहीं बनाए, तो ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए, इन रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन और वुमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आज ये मार्च इसीलिए कर रही है कि हम समझते हैं जब औरतें जमा एक साथ होंगी तो औरतों के मसाइल कम होंगे और ये तशद्दुद का खात्मा हो सकेगा, और इसीलिए आज हमने नारा भी यही रखा है, आओ हमारे साथ चलो बदलेंगे हालात, चलो हाथ में डाले हाथ चलो। हमारे यहाँ औरत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें कि उसकी सेहत का मसला, उसकी तालीम का मसला, उसको जो है कानूनी मसाइल जो है, वरासत का हिस्सा, तलाक के मसाइल, और जो है ना उसको हैरेसमेंट का मसला। आजकल सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ जो हो रहा है, छोटे छोटे फूल बच्चों के साथ रेप हो रहा है, उसके लिए आप बताइए, सबसे बड़ा तो इस वक्त का मसला ये है, फूलों को कुचला जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कहाँ कितना लॉलेसनेस है। फौरी तौर पर गवर्नमेंट को ऐसे जो दरिंदों को सूली पर चढ़ाना चाहिए ताकि निशाने इबरत बनाया जाए। जो आज़ादी जो पहले जो हालात थे उससे तो बहुत ज़्यादा मिलती है, मगर और भी इतना सफ़र अगर तय किया तो बाकी भी तय करना है, और भी हमें बहुत कुछ चाहिए। और हर केस डिफरेंट है, हर औरत के लिए एक डिफरेंट एक लाइफ होती है, फ़र्क होता है, मगर ऑन द होल जो पहले था उससे बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हालात बेहतर है, मगर और भी बेहतर हो सकते हैं। जो हमारे इस्लाम ने दिए वो पूरी आज़ादी पर हमारा हक है, और हम ये चाहते हैं कि मर्दों के शाना बशाना जो है वो औरतें अब निकलें काम करें, और वो मर्द जो उन्हें चार दीवारी में रखे बैठे हैं और उन्हें तालीम जैसे बुनियादी हकूक भी उनको हासिल नहीं है, हम ये चाहते हैं कि औरतें आएँ और उनको मतलब वो तालीम हासिल करें और हमारे माशरे में एक बेहतरीन किरदार अदा करें। ख़वातीन के हवाले से कराची के मकामी होटल में एक और रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली मायानास ख़वातीन ने शिरकत की। हमारा जो चैनल है OPTV ग्लोबल ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारी जो हेड हैं मैडम फातमा, वो अमेरिका में रहती हैं, और वहाँ से रहकर वहाँ में बैठ कर जो है वो मतलब इस पूरे चैनल को देखती हैं और सुपरवाइज करती हैं और हमें गाइडलाइंस देती हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि औरत जो है जहाँ भी हो और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उसमें लीडरशिप पावर होती है। ठीक है, और एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ ज़रूरी है, तो क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं समझती हूँ कि औरत और मर्द में ना किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं है, इनकी एक आपस में फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, और हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ, और हर कामयाब औरत के पीछे मैं समझती हूँ बाप भाई शोहर बेटे किसी ना किसी की सपोर्ट और हाथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने सामने आपके चैनल की जो मैडम फातिमा है, आप देखें कि वो किस तरह से अल्लाह ने उनको जो खूबियाँ दी हैं ना, उनमें इतना टैलेंट है, इतनी कि वो इतनी दूर बैठ के भी आप सबको मैनेज कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, हेल्प आउट कर रही हैं और इस चीज़ को लेके चल रही हैं। तो ये तो मैडम फातिमा की जो क्वालिटी है, अल्लाह ताला ने क्वालिटी तमाम ख्वातीन के अंदर रखी है, और जिस मतलब हम मैं समझती हूँ कि मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उस वहाँ से रहकर उनकी जो माशाल्लाह वर्किंग अलाइनमेंट है और जो जिस तरह से वो लेके चल रही हैं, ये क्रेडिट है जो उनको जाता है। लेकिन मर्द और वुमेन के दरमियान आपस में कभी भी कॉम्पिटिशन ना है ना होना चाहिए। जो दौरान कोरोना COVID-19 के दौरान वर्किंग वुमेन को स्पेशली जो चैलेंजेस पेश आए और उसमें उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आईं और जो कुछ उन्होंने लर्न किया और जो कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, उन सारी चीज़ों को हम एक्नॉलेज भी करें, उनको हम कुछ उसके हवाले से जो हमें महसूस हुआ कि उस प्रैक्टिस के दौरान जो ख़वातीन के लिए असलाहत पर काम होना चाहिए, हम उनको मेंशन करें, हम ख़वातीन को इनक्रेज भी करें कि उन्होंने इतने बड़े चैलेंज का इतने हौसले से मुकाबला किया, ना सिर्फ ख़ुद खड़ी रही बल्कि अपनी पूरी फैमिली को खड़ा रखा, वर्किंग भी की, अपने ऑफिस की भी और
अपने घरों को उन्होंने अपने हस्बैंड अपने भाइयों अपने बाप के लिए ऑफिस भी बनाया और बच्चों की स्कूल भी, यानी स्कूल घर और ऑफिस सब चीज़ें एक ही जगह पर आ गई थी और उस पूरी चीज़ को लीड किया हमारी वर्किंग औरत ने। तो एक एक्नॉलेजमेंट भी ज़रूरी थी और फिर उस दौरान जो मसाइल पेश आए उनके हल के लिए कुछ सिफारिशात भी ज़रूरी थी। तो आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें। ख़वातीन को निकलना चाहिए अपनी फ़िटनेस के हवाले से भी और अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी, क्योंकि अगर ख़वातीन अपने हिसाब से और अपनी ज़िंदगी के लिए निकलेंगी तो ज़्यादा परफेक्ट होंगी, ज़्यादा कामयाब होंगी। और मेरा ख्याल है कि आज के दिन के हवाले से तो ज़्यादा ख़वातीन कामयाब हैं अगर अपनी हेल्थ का भी वो ख्याल रखें। तो औरत को 100% आज़ादी मिलनी चाहिए, जितनी मर्दों को आज़ादी मिलती है उसी तरह से औरतों को भी मिलनी चाहिए। उतना ही 9 to 5 जैसे मर्द काम करते हैं उसी तरह औरतें तीन भी अपनी सारी घरेलू लाइफ को टिपिकल हाउसवाइफ के साथ अपने सारे इन जॉब्स को अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके अपने आप को एंजॉय करती हैं और काम भी करती हैं, घर के भी सारे काम करती हैं। तो औरत को भी इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी मर्दों को मिलनी चाहिए। आज के दिन के हवाले से मेरा ये कहना है कि हम तब्दीली तो ज़रूर देखते हैं, जब ये दिन हम मनाते हैं तो हम अवेयरनेस क्रिएशन होती है कि भाई ख़वातीन जो हैं उनका इतना ह्यूज पोटेंशियल है, जो कौमें उन पोटेंशियल को ज़ाया कर देती हैं और उनके लिए एक लेबल लगा देती हैं कि उनके काम डिफाइंड हैं बस वही वो करना चाहिए उनको, ये सही नहीं है। क्योंकि औरतों के पास भी बेहतरीन जहन मौजूद हैं, बेहतरीन उनके ख्यालात हैं, ज़रा सी उनको स्पेस मिले तो वो भी दुनिया में वो तमाम कारनामे कर सकती हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती हैं। जहाँ 50% आदमियों में से अगर 10% लीडर निकलते हैं, इसी तरह वो 10% लीडर औरतों में से भी निकलते हैं। तो अगर आप उनको मौका नहीं देंगे तो हम इस दुनिया में जो अच्छाई लाना चाहते हैं, जो फैसिलिटेशन करना चाहते हैं एक पूरी कौम के लिए, अपने नेशन के लिए, वो हम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अब सबसे अच्छी बात जो हम कहना चाहते हैं लोगों से कि मोहब्बत मर्दों की मोहब्बत औरतों के लिए ये नहीं है कि अपनी बहनों या बेटियों को कहें कि हम तुम्हें सब कुछ घर ला के बैठ के देंगे, तुम घर ही बैठो, क्योंकि ये उनके जहन के लिए सही नहीं है। उनके जहनी सलाहियतों को आप जो है वो बरूए कार लाने के लिए उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उससे आपको भी मदद मिलेगी और उनकी अपनी पर्सनालिटीज़ में भी निखार आएगा। मैम मुझे हमारा चैनल है ओवरसीज़ पाकिस्तानी चैनल, आप स्लोगन भी देख रही होंगी इसके जो ऊपर लोगो है। हमारी जो CEO हैं, हमारी जो हेड हैं वो मैडम फातिमा हैं जो कि हमें अमेरिका से यहाँ इंस्ट्रक्शंस देती हैं और हमें गाइडलाइंस देती हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। एंड शी इज़ सच अ हार्ड वर्कर लेडी, और वो भी वहाँ पर काम करती हैं और साथ साथ ये चैनल भी देख रही हैं, हम लोगों को भी मतलब कहती हैं। तो आप प्लीज़ ज़रा हमारी मैम के लिए भी कुछ कहिएगा, प्लस हमारे चैनल के लिए भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लेडीज़ वहाँ पर काम कर रही हैं पाकिस्तानी जी, क्योंकि वो भी वैसे ही इतनी मेहनत कर रही हैं वहाँ रहकर यहाँ पर, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपके लिए? देखिए, मैं हर मेहनत करने वाले इंसान के लिए पैगाम दे रही हूँ, चाहे वो मर्द है या औरत। ठीक है, मैं मुझे असल में इस तरह जेंडर को सेक्लूड करना पसंद ही नहीं है। मैं समझती हूँ हम सब इंसान हैं, हम इंसान हैं तो हम एक दूसरे को क्यों मार्जिनलाइज कर रहे हैं कि तुम औरत मैं मर्द। हर काम करने वाला इंसान है और हर बंदे की पार्टिसिपेशन है तो दुनिया चल रही है। ठीक है, तो इसलिए हर वो शख्स जो मेहनती है, और आज के दिन के हिसाब से मैं कहूँगी हर वो औरत जो मेहनत कर रही है, जो अपना घर भी देख रही है, बच्चों को भी प्यार कर रही है, और उसका शौहर भी जब थका हारा आता है तो उसकी वो भी देख रही है, तो मैं उसके लिए ये पैगाम दूँगी कि वो भी चुपके से अपने शौहर से कहे कि जब मैं थकी आ रही आऊँ तो मेरा भी ख्याल करना, मुझे भी कभी गर्म चाय पिला देना, मुझे भी मज़ा आएगा, वैसा ही लुत्फ़ आएगा जैसे तुमको आता है। राइट, तो इस तरह ये सब मिलजुल के चलता रहता है। सेंट कमीशन एंड स्टेटस ऑफ वेमेन का जो बेसिक मिशन है वो यही है कि ख़वातीन को सनफी इम्तियाज़ात से निकालना। आज इंटरनेशनल वेमेन डे है जिसका जो कि तमाम देही और शहरी कारकुन ख़वातीन के साथ यकजहती का दिन है। इस दिन की हम मुनासबत से सेंट कमीशन का ये अहद है कि सेंट को जो है एक वेमेन फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, ख़वातीन को एम्पावर किया जाए, उनको वो तमाम हकूक़ दिलवाए जाएँ कि जो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। औरत बजाते खुद एक ताकत है, एक शायर ने क्या खूबी कहा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो हम चाहते हैं कि जो है ये जो रंग हैं ये पीके ना पड़े, इन रंगों को उभारा जाए। मैं ख़ास ये पैगाम दूंगी आज इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर कि आप घर पे रह के हमारी हर औरत, हर बहन, हर बेटी बहुत कुछ कर सकती हैं। अपना वक्त
कीमती वक्त जो है वो आप अपने कामों पे लगाएं। ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप घर बैठ के कर सकती हैं, तो उनको कीजिए ज़रूर। और कोविड का जो टाइम है जिसमें हर बंदा अपने लिहाज से बहुत सारी मुश्किलात से दोचार है, तो आप कतन भी अपने आप को कम हिम्मत ना करें और काम कीजिए और नए नए काम इंट्रोड्यूस करवाइए। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और हमें अपने इस टैलेंट को बरकरार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मजमूआ आर्ट गैलरी की CEO महरीन इलाही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एडवोकेट डॉक्टर राना खान ने भी अपनी कामयाबी का सफर हाजरीन के साथ शेयर किया। मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एंड मैंने बहुत सारे और भी मुख्तलिफ असाइनमेंट्स हैं, जैसे मैं एकेडमिशन भी हूँ, चूँकि मैंने PhD किया है फॉरेंसिक साइंस में, पाकिस्तान की पहली बीइंग अ लेडी ऑफ फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, और मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हूँ और PhD और LLM कराती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अंडर माई सुपरविजन PhD एंड LLM कर रहे हैं। आज़ादी औरत की जो है हर मुल्क के अंदर उसकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेंशन है, चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारे पास जो एक आज़ादी है वो आज़ादी नहीं है बल्कि हमें जो है रिस्पेक्ट दी गई है बीइंग अ लेडी, और बीइंग अ लेडी रिस्पेक्ट देने की वजह से हमारे ऊपर जो है हमें जो है बहुत सारी माँ की हैसियत से, बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से बहुत ज़्यादा आज़ादी है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने घर के जो है क्या कहना चाहिए सारे के सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब हमें प्रोफेशनल इजाज़त दी जाती है और हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो तब भी हम दबंग तरीके से करते हैं, चूँकि हमारे पीछे एक मर्द होता है, वो हमारा बाप हो, वो हमारा भाई हो, या वो हमारा बेटा हो। तो हम जो पाकिस्तानी खातूनें जो मुसलमान खवातीन हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं अपने मर्द हजरात के हवाले से, अपने रिश्तेदारों के हवाले से, अपने भाई के हवाले से, अपने बाप के हवाले से, अपने शौहर के हवाले से। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी तो हमारी औरतों को मैं उनको सलूट करती हूँ, ठीक है, वाई, बिकॉज दे आर वर्किंग डे नाइट, वहाँ की लाइफ बिल्कुल मैकेनिकल है। मैं रही हुई हूँ, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ, बट दोज वेमेन आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड बच्चों को भी देखना, मियाँ को भी हर तरह से आराम पहुँचाना, और साथ उसके रिश्तेदार भी अगर वहाँ हैं तो उनको भी देखना, अगर पेरेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना, फिर काम पे भी जाना, तो यू नो दैट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। और औरत है ही मल्टी टास्क, उसको अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि दिल भी ऐसा दिया है, और आवाज़ और जिस्म और हर चीज़, मतलब अल्लाह ने बड़ा देख के फुर्सत से बनाया औरत को, मगर साथ साथ उसमें काफ़ी रेजिलियंस रखी है जो बाज़ मर्दों में भी नहीं पाई जाती। इसीलिए कहते हैं कुछ ख़वातीन जो बड़ी काम और क्वाइट अपना काम बहुत सारे काम कर जाती हैं, तो इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। औरत से माँ, बेटी, बीवी और बहन का नाम लाजिम है, सभी पर औरत का एहतराम करना लाजिम है। अब क्या कहें, वजूद जन औरत के बिना जो है घर भी अधूरा है, औरत के बिना जो है वो मुल्क, ये सही कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। बिल्कुल, घर इसी तरह चलता है, मुल्क भी इसी तरह चलता है, औरत के बगैर जो है जब तक रंग ना हो तो हर चीज़ फीकी रहती है। औरत एक खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह पाक ने एक बहुत खूबसूरत हसीन चीज़ बनाई है सिंफ नाजुक, और उसे वैसे ही उसी हिसाब से लेकर चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस पर तशद्दुद जो होता है और उस पर जुल्म जो होता है और उसको हुकूक़ से मारा जाता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ जितनी भी लेडीज़ आई थी सारे अपने अपने अहदों पर और अपने अपनी जगहों पर एक अच्छी पोजिशंस में काम करती हैं। आपने उनकी सारे शॉर्ट्स भी सुने, उनकी बातें सुनी। जी, कैमरामैन शाहिद के साथ सरवत जबीन, OPTV ग्लोबल, कराची।